हे गाइस, तो यूट्यूब पे कैसे शॉर्ट वीडियो को वायरल करें। तो क्या आप भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो और यूट्यूब पे जो आप वीडियो मतलब बनाते हो वो आपकी वीडियोस पे कोई व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आप पोस्ट करते हो या शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो या कोई सी भी वीडियो अपलोड करते हो बट शॉर्ट वीडियो आप बहुत बनाते हो और शॉर्ट वीडियो को बहुत लाइक करते हो बट आपकी वीडियोज़ पर एक भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो गाइस, आज हम न्यू ट्रिक के साथ आ चुके हैं। पहले तो मैं अपना मतलब दिखाऊंगा जो मैं वीडियोस अपलोड किया हूँ शॉर्ट वीडियो, वो देखिए आप मेरे होम स्क्रीन पे देख सकते हो कैसे वीडियोस पे व्यूज़ आए हैं। मतलब आपको वीडियो अपलोड करने की मैं ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से अगर आप वीडियो अपलोड करते हो, अगर आप मेरी ट्रिक को फॉलो करते हो तो आपके भी चैनल पे व्यूज़ आएंगे और आपके सब्सक्राइबर जो है वो भी आपकी गेन होंगे। तो गाइस, फाइनली अगर पहले आप वीडियो बनाते हो मतलब कोई सी भी शॉर्ट वीडियो क्रिएट करते हो तो उस पर आप सॉन्ग चूज़ करिए, क्योंकि बहुत से सॉन्ग पे कॉपीराइट आ जाता है। अगर आप पहले वीडियो बनाए उस पर सॉन्ग ऐड किए हैं तो उस पर कॉपीराइट ज़रूर आता है। तो गाइस, अगर आप वीडियो बनाते हो तो आप शॉर्ट यूट्यूब के ही सॉन्ग्स को उस पर लगाइए, मतलब अपनी वीडियो पे शॉर्ट वीडियो पे यूट्यूब के सॉन्ग्स को ही लगाइए, तो उस पर आपकी वीडियो पे पहले तो कॉपीराइट नहीं आएगा। अगर वीडियोज़ पे कॉपीराइट आ जाता है तो वीडियो पे व्यूज़ आने बंद हो जाते हैं। तो गाइस, अगर आपकी वीडियो पे कॉपीराइट नहीं आएगा तो व्यूज़ ज़रूर आएंगे। जो सेकेंड पर्सन मतलब जो सेकेंड टॉपिक है हमारा मतलब जो नेक्स्ट है उसमें मैं आपको बताऊँगा, मतलब जब वीडियो आप अपलोड करते हैं तो पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिए। आप जिस बेस पे वीडियो बनाए मतलब जिस टॉपिक पे आप वीडियो बनाए उसको पहले अपने क्रोम ब्राउज़र पे सर्च करिए। अगर आप क्रोम ब्राउज़र पे सर्च करते हैं तो आपके क्रोम ब्राउज़र पे ऊपर आ जाएगा, मतलब जितने भी व्यक्ति अगर उस टॉपिक को सर्च किए होंगे, अगर उस चीज़ को सर्च किए होंगे तो क्रोम ब्राउज़र पे आपको दिख जाएगा और वहाँ से आप उसको कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद आप अपने वीडियो पे पोस्ट मतलब पोस्ट करिए, पेस्ट कर दीजिए, वहाँ पे कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आप अपने वीडियो को अपलोड करिए। प्लस अपलोड करने पर आपके जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आप कुछ मतलब और चीज़ें उसके बारे में अपने जो नॉलेज है उसके बारे में और नॉलेज करें उस पर, मतलब वीडियो पे और उस टॉपिक के बारे में लिखें। और जो सेकंड पर मतलब जो थर्ड बात है, सेकंड तो हो गई, जो थर्ड बात है उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो है YT स्टूडियो। अगर वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो उस पर आपको व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे, मतलब जो आपकी वीडियो पे गलती हो जाएगी आप वहाँ से उन गलतियों को सुधार सकते हैं। मतलब वीडियो अपलोड कर चुके हैं फिर भी अपनी उन गलतियों को YT स्टूडियो से आप सुधार सकते हैं और वो गलतियाँ सुधर जाएंगी तो आपके जो मतलब शॉर्ट वीडियो है उन पर व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी वीडियोस पे व्यूज़ आना स्टार्ट हो गए तो आपकी वीडियो वायरल भी होगी। प्लस अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, इससे मतलब आपके दोस्तों के देखने से जो व्यूज़ आएंगे उस पर आपको मतलब अच्छे खासे व्यूज़ इस पर यूट्यूब की शॉर्ट वीडियो पर मिलते हैं। आपके दोस्त देखेंगे प्लस वो आपके व्यूज़ गेन हुए और ये वीडियो देखने से मतलब जितना अधिक हम इसको पसंद करेंगे वीडियो उतनी ही ज़्यादा वायरल होती है। तो गाइस, अगर आपको मतलब वीडियो जो शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करिएगा और मैं आपको कुछ मतलब ट्रिक्स अपने मतलब होम स्क्रीन पे दिखाऊंगा, मतलब जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो कैसे वायरल हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको मेरी ट्रिक्स अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, क्योंकि जो ये शॉर्ट वीडियो इनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप लोग मतलब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपकी शॉर्ट वीडियो अगर वायरल ना हो तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी डाले दे रहा हूँ, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पे और अच्छे से समझा दूँगा कैसे आप